हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस रेट। गाइस, स्वागत है आपका लिनक्स ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 16 में। और यहां पर इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, अब तक हमने लिनक्स ट्यूटोरियल में काफी कुछ सीखा, लाइक कैसे किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, मूव करते हैं, कॉपी करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे सर्वर पर वर्क करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी कुछ सीखा। यहाँ पर अगर हम कोई फाइल रन भी कर रहे हैं तो यानी कि एक प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उस प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज करना होता है, यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको वही सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बताते हैं यहाँ पर आपको कि प्रोसेस होता क्या है। द इंस्टेंस ऑफ एनी प्रोग्राम, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो वो एक टाइप का प्रोसेस होता है जो कि आपके सिस्टम में एज ए प्रोसेस काउंट होता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि प्रोसेस होते कितने टाइप के हैं। तो प्रोसेस गाइस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोरग्राउंड प्रोसेस और एक होता है बैकग्राउंड प्रोसेस। फोरग्राउंड प्रोसेस में आपके इनपुट की नीड होती है, यानी कि यूजर इनपुट की नीड होती है, यानी कि आप क्लिक करेंगे और उस प्रोसेस को ओपन करेंगे और उसमें अगर आप कुछ इनपुट करना चाहें तो इनपुट करेंगे और तभी वो वर्क करेगा, यानी कि आपकी स्क्रीन पर आपको शो होगा। और दूसरी तरफ बैकग्राउंड प्रोसेस जो होते हैं वो, उसमें आपको यूजर इनपुट की नीड नहीं होती है, वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली वर्क करते रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंटीवायरस, यानी कि बैकग्राउंड में आपके सिस्टम को स्कैन करता रहता है और बैकग्राउंड प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको कुछ कमांड्स बताएंगे जिसकी हेल्प से, सपोज आप किसी सर्वर पर वर्क कर रहे हैं, लिनक्स में वर्क कर रहे हैं, तो अपने प्रोसेस को, जो भी प्रोग्राम आप रन करते हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं। सपोज आपको किसी ऐसे प्रोग्राम को रन करना है जो टर्मिनल की हेल्प से रन करेंगे, लेकिन जब टर्मिनल पे आप फोरग्राउंड प्रोसेस अगर कोई रन करते हैं तब तक आप टर्मिनल पे कोई दूसरा वर्क नहीं कर पाते, तो बेटर है कि उसको आपको बैकग्राउंड प्रोसेस में रन करना होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, कौन सी टॉप प्रायोरिटी पे प्रोसेस रहेगा, कौन सा लो प्रायोरिटी पे प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं प्रोसेसेस की, ये सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो जाए, और इसका टेक्स्ट भी कुछ थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट जूम इन कर दिया है और अब आपको इजीली विजिबल रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फोरग्राउंड प्रोसेस की और बैकग्राउंड प्रोसेस की। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अगर कोई भी प्रोग्राम अपने सिस्टम में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना है तो आप टर्मिनल की हेल्प से भी रन कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। सपोज यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैं यहाँ पे रन करता हूँ टर्मिनल की हेल्प से, सपोज कैलकुलेटर हम यहाँ पे रन कर लेते हैं, ये जो कैलकुलेटर है, तो इसका जो पैकेज नेम है वो है gnome-calculator। तो जस्ट मैं यहाँ पे gnome-calculator टाइप करके जस्ट एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर डायरेक्ट ओपन हो जाता है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है मैंने यहाँ से एज ए फोरग्राउंड प्रोसेस के तरीके से यहाँ पे रन हुआ है। हालांकि फोरग्राउंड प्रोसेस का जो सिंटैक्स होता है, आप अगर सपोज किसी सर्वर पे कोई प्रोग्राम अगर आप रन करते हैं तो उसका सिंटैक्स होता है fg स्पेस दे के आपके प्रोग्राम का नाम जिसको आपको रन करना है एज ए फोरग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस प्रोग्राम को रन कर दिया है क्योंकि ये मेरे सिस्टम की एप्लीकेशन है, इस वक्त मैं किसी सर्वर से कनेक्टेड नहीं हूँ। ओके, तो जीनोम कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर यहाँ पे रन हो गया है। ठीक है, अगर अब सपोज मैं कंट्रोल जेड करके इसको मैं स्टॉप कर सकता हूँ, इस प्रोग्राम को कंट्रोल जेड करके मैंने जब स्टॉप करा तो यानी कि ये एप्लीकेशन अब वर्क करना बंद कर दी है और ये स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, हालांकि ये कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन है, बैकग्राउंड में किसी मतलब की नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी अगर आप इसको बैकग्राउंड में रन करेंगे तो कैसे करेंगे, जस्ट आपको bg लिखना होगा और एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं 1 के आगे प्लस आ गया है और जीनोम कैलकुलेटर एंड यहाँ पर लिखा गया, यानी कि अब आपका जो कैलकुलेटर है वो बैकग्राउंड प्रोसेस में रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर एक ऐसी एप्लीकेशन हमने चूज की जिसका बैकग्राउंड में रन होने का कोई फायदा ही नहीं है, जिसका हमको फोरग्राउंड प्रोसेस के तरीके से ही हमको यूज करना होता है। ये एग्जांपल सिर्फ आपके इसलिए समझाने के लिए था, कल को अगर आप सर्वर पे वर्क करते हैं तो किस तरीके से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो प्रोग्राम्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब मैंने कैलकुलेटर रन करा तो मैं टर्मिनल पर कुछ नहीं कर सकता था वर्क यहाँ पे। तो आपको कई जगह पर ऐसी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे जब आप टर्मिनल पर उनको रन करेंगे और आपको साथ ही साथ और वर्क भी करना होगा
तो यहाँ पर इसलिए फोरग्राउंड बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूटिलिटी कमांड की, जिसका नाम है टॉप। ठीक है, जैसे हम टॉप लिख के सबसे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, जैसे कि आपको इजीली विजिबल रहे। ठीक है, सबसे पहले हम टॉप लिख के जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस यहाँ पर हमको बता रहा है। तो ये जो टॉप कमांड है ये जस्ट एक तरीके से आप जैसे विंडोज में टास्क मैनेजर रन करते हैं, इसी तरीके से टॉप कमांड आपका यहाँ पर वर्क करती है। आपके लिनक्स सिस्टम में जितने भी प्रोसेस रन होते हैं, कौन सा कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ आपको टॉप कमांड आउटपुट में देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऊपर जो इनके कैप्शन है वो लिखे आ रहे हैं, PID यूजर, PR, NI, VIRT, RES, SHR, S परसेंटेज CPU, परसेंटेज मेमोरी, टाइम प्लस कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम इसके बारे में आपको बताएं कि PID यूजर, PR, NI, VIRT, RES, SHR, परसेंटेज CPU, परसेंटेज मेमोरी, ये सब क्या है, तो आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं PID किसी भी टास्क का, किसी भी प्रोग्राम का एक प्रोसेस आईडी होती है। इस प्रोसेस आईडी का जस्ट एक नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, 4 डिजिट का नंबर, 1 डिजिट का नंबर है, इससे आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं। सपोज सर्वर पर कोई प्रोसेस प्रोग्राम रन है, ठीक है, तो आप जस्ट उसकी आईडी आपको पता होनी चाहिए, आप उस आईडी से उस इंडिविजुअल प्रोग्राम को ट्रैक कर सकते हैं, देन उसको आप चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं यूजर, द यूजर नेम ऑफ टास्क ऑनर। ठीक है, यानी कि इस टास्क को कौन सा यूजर रन कर रहा है या फिर किस यूजर की वजह से ये टास्क रन हो रहा है। PR यानी कि तीसरा जो कैप्शन आपका, प्रायोरिटी कैन बी 20 और -20 लोएस्ट। ठीक है, ये प्रायोरिटी है, यानी कि कौन सा टास्क कितनी प्रायोरिटी पे यहाँ पे रन हो रहा है। हाईएस्ट प्रायोरिटी 20 होती है और मिनिमम जो लोएस्ट प्रायोरिटी होती है -20 होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। इसके बाद NI, आप NI देख रहे हैं, द नाइस वैल्यू ऑफ द टास्क है। इस नाइस वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं, सपोज हमें कोई टास्क हाई प्रायोरिटी पे असाइन करना है तो हम ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आगे अभी आप सीखेंगे किस तरीके से हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं VIRT यहाँ पर आपको बता रहा है वर्चुअल मेमोरी यूज्ड इन KB। इसके बाद RES फिजिकल मेमोरी, ये आपकी इन KB में है। ठीक है, इसके बाद SHR शेयर्ड मेमोरी यूज्ड। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे S आ रहा है। ठीक है, तो S में आप देख सकते हैं ये स्टेटस है, देयर आर 5 टाइप्स, डी अनइंटरप्टेबल स्लीप, आर रनिंग, स्लीपिंग, ट्रेस्ड और ज़ोंबी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कईयों का यहाँ पे S है, ठीक है, यानी कि स्लीपिंग। इसके बाद कईयों का यहाँ पे आप आर भी रनिंग देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज सीपीयू ऑफ टाइम यहाँ पर आपको शो कर रहा है। इसके बाद फिजिकल मेमोरी यहाँ पर शो कर रहा है परसेंटेज एम, और इसके बाद यहाँ पर टाइम प्लस आपको नजर आ रहा है, टोटल CPU टाइम यहाँ पर शो कर रहा है, कितने टाइम से यहाँ CPU को ये जो प्रोग्राम है कंज्यूम कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड। ठीक है, तो कमांड नेम क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे कमांड नेम भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने जाना कि इनके कैप्शंस यहाँ पर क्या क्या हैं और क्या क्या इनके यूजेस हैं। तो यानी कि टॉप कमांड से आप बहुत इजीली आपके सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या प्रोग्राम इस वक्त रन है और क्या क्या उनका स्टेटस है, आप इसको इजीली पता लगा सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट कमांड है वो है PS कमांड, यानी कि प्रोसेस स्टेटस। ठीक है, ये लगभग टास्क मैनेजर के बराबर ही सेम टू सेम ही कमांड है, और जो भी मैंने आपको टॉप कमांड बताई लगभग उसी के बराबर है, जस्ट इसका आउटपुट तरीका अलग है। इसमें आप जस्ट PS टाइप करते हैं और उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग जितने भी टास्क रन हो रहे हैं आप वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सपोज यूजर के लिए इसका सिंटैक्स UX हम यहाँ पर लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें Ubuntu यूजर के सभी टास्क यहाँ पर आउटपुट में शो कर दिए हैं, जिनके आपके पास कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ रहा है, यूजर, PID, परसेंटेज CPU, परसेंटेज मेमोरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट आपके पास आ गई है और प्रोसेस का स्टेटस आ गया है, कौन सा कब कितने बजे और कितनी मेमोरी कंज्यूम करते हुए रन हो रहा था। यहाँ पर अगर आप किसी पर्टिकुलर टास्क के बारे में जानना चाहते हैं तो जस्ट आप PS लिख के और उसकी प्रोसेस आईडी यहाँ पर लिख देंगे। सपोज उसकी प्रोसेस आईडी ये है 1725, तो जस्ट आपको 1725 यहाँ पे ट्रैक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जस्ट
प्रोसेस आईडी 1725 के बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, TTY ये, स्टार्ट ये, टाइम ये, कमांड ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं और क्या स्टेटस है वो पता लगा सकते हैं इस कमांड के थ्रू, प्रोसेस स्टेटस के थ्रू। यहाँ पर इसी श्रृंखला में नेक्स्ट कमांड में आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई प्रोसेस वो ऐसा लगता है जो आपकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पे रन है, या फिर आपके ऑथेंटिकेशन के बिना यहाँ पर रन हो रहा है, या फिर ये एक हार्मफुल प्रोसेस हो सकता है, तो आप उसको जस्ट किल कर सकते हैं। जस्ट किल करेंगे और आपको प्रोसेस आईडी पता ही है, ठीक है, आप यहाँ पर प्रोसेस आईडी यहाँ पे लिख देंगे। सपोज मेरे पास अभी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसको मैं क्लोज कर सकूँ क्योंकि सभी सिस्टम प्रोसेस है, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। सपोज मैं ये वाला प्रोसेस यहाँ पे क्लोज करने का ट्राई करता हूँ, 7931, तो 7931 यहाँ पे प्रोसेस आईडी लिख के एंटर प्रेस करा तो अब ये जो प्रोसेस है वो किल हो गया, यानी कि क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोसेस को डायरेक्टली ट्रैक करके आप उसको कमांड की हेल्प से क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रोसेस का प्रोसेस आईडी नहीं भी पता है तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट PID ऑफ लिखेंगे और उसके बाद आपके प्रोसेस का नेम यहाँ पे लिखेंगे, जो एप्लीकेशन नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे और आप इजीली उस प्रोसेस का जो प्रोसेस आईडी है वो पता लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि सपोज अगर आप किसी सर्वर पे वर्क करें, काफ़ी सारे प्रोसेस आपके नोन हैं जिनके पास आपके पास लिस्टिंग है, तो आप इजीली उस तरीके से उसका प्रोसेस आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में, नाइस कमांड के बारे में। इस कमांड का वर्क है कि आप किसी भी प्रोसेस का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है आप वो चेंज कर सकते हैं। लिनक्स काफ़ी सारे प्रोग्राम एक साथ रन कर सकता है, ऐसे में सपोज सबकी प्रायोरिटी अगर हाई रहेगी तो ऐसे में आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है। अगर सपोज आप ऐसे किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेस हैं और आपको कुछ प्रोसेस हाई प्रायोरिटी पर रखने हैं और कुछ प्रोसेस लो प्रायोरिटी पे, आपको प्रायोरिटी वाइज अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सेट करनी है तो आप वो अपने सिस्टम में बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए वापस से एक बार टॉप कमांड रन कर लेते हैं रेफरेंस के लिए, जिससे कि आपको इजीली पता लग जाए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से आपको काफ़ी सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। सपोज आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोसेस यहाँ पे रन हुए हुए हैं। वापस से टॉप कमांड रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस अपडेट हो रहे हैं लगातार, और लगातार इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टॉप कर देता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पर सपोज किसी प्रोसेस का जो प्रायोरिटी है वो चेंज करनी है, ठीक है, या फिर उसको कम प्रायोरिटी के साथ रन करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड यूज करेंगे, यहाँ पर आप कमांड यूज करेंगे नाइस, नाइस के बाद स्पेस देके हाइफन एन, और एन देने के बाद यहाँ पर आप नाइस की वैल्यू यहाँ पर असाइन करेंगे जो कि 20 से कम होनी चाहिए क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर आपके पास 20 है। सपोज मैं 15 यहाँ पर करता हूँ और उसके बाद आपके जो प्रोसेस है उसका नेम, सपोज फायरफॉक्स के लिए मैं ये प्रायोरिटी सेट करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर मेरे पास फायरफॉक्स ओपन हो गया है, और जो फायरफॉक्स अब मेरे पास ओपन हुआ होगा यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी से 5 प्रायोरिटी नीचे, यानी कि 15 की प्रायोरिटी के साथ मेरे पास यहाँ पर फायरफॉक्स ओपन हुआ है। सपोज मेरे पास कोई, ये तो था तरीका नाइस का जो मैंने आपको बताया, कोई प्रोग्राम आपके पास रन नहीं है और आप उसको फ्रेश रन करना चाह रहे हैं तो आप उसकी जो प्रायोरिटी है इस तरीके से सेट कर सकते हैं 15। सपोज आपके पास जो प्रोग्राम है वो पहले से रन है, ठीक है, तो आप उसकी प्रायोरिटी चेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप रीनाइस का यहाँ पर यूज लेंगे, रीनाइस उसके बाद नाइस वैल्यू, सपोज फायरफॉक्स पे अप्लाई करते हैं, इसको 10 कर देते हैं, इसके बाद स्पेस देके हाइफन पी देने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस आईडी का यूज लेना होता है। फायरफॉक्स की प्रोसेस आईडी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए या फिर पता लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फायरफॉक्स हमें यहाँ पर नजर आ रहा है 6082, ठीक है। अब हम इसको क्लोज करके यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं फायरफॉक्स मेरे पास यहाँ पर आ रहा था 6082। रीनाइज करते हैं और यहाँ पर प्रोसेस आईडी यहाँ पर टाइप कर देते हैं 6082, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि 6082 प्रोसेस आईडी, ओल्ड प्रायोरिटी 0, न्यू प्रायोरिटी 10, ठीक है, यानी कि न्यू प्रायोरिटी हमने 10 यहाँ पर सेट करी थी, ओल्ड प्रायोरिटी उसकी 0 थी, और P6082 यहाँ पर हमने न्यू इसकी जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर सेट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी प्रोसेस की। ओके, तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो प्रोसेस आईडी ओल्ड प्रायोरिटी 0 और न्यू प्रायोरिटी 10 आता है, ये आपकी नाइस प्रायोरिटी ये होती है, और जो पहले से डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है।
ठीक है, तो नाइस प्रायोरिटी को हमने यहाँ पे जीरो से टेन कर दिया। चलिए करते हैं इसको क्लियर और पढ़ते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट यूटिलिटी के बारे में, और नेक्स्ट यूटिलिटी है आपकी डीएफ। ठीक है, ये आपके हार्ड डिस्क स्पेस को बताती है। यहाँ पर डीएफ लिख के जब जस्ट आप एंटर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपके सिस्टम पर जितनी भी फाइल्स ने जितना भी स्पेस ले रखा है उसके बारे में आपको बताएगी। यहाँ पर df लिख के हाइफन लिख के आप एच करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आपको जो डेटा है वो gb और mb में आपको शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस df कमांड का आप यहाँ पर यूज ले सकते हैं। df को आप फ्री डिस्क स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि df मीन्स फ्री डिस्क। एक और लास्ट कमांड के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, जो कि आपकी रैम कितनी फ्री है इस पर उसके बारे में बताएगा। जस्ट फ्री यहाँ पे लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आपको आपकी रैम मेमोरी के बारे में यहाँ पर आपको बताएगा। अगर आपको ये डेटा एमबी में देखना हो तो फ्री आप स्पेस देख के एम टाइप कर सकते हैं, एमबी में आपको ये डेटा बताएगा जो आप देख रहे हैं। अगर आपको ये डेटा जीबी में चाहिए हो तो आप फ्री स्पेस जी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जीबी में आपको यहाँ पर आपको बताएगा। तो देख सकते हैं आप 3GB, 1GB, 0, 1, 1। ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फो गेन कर सकते हैं सिर्फ टर्मिनल के थ्रू इस तरीके से। इन कमांड्स को आप नोट करें, ट्राई करिएगा अपने टर्मिनल कमांड पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितना नॉलेज आपको इस वीडियो से मिला ये भी मुझे बताइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिनक्स ट्यूटोरियल के जल्दी ही, और तब तक के लिए देखना ना भूलें बस्टवे टेक। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।